हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लोशन जो कि हर सीज़न के लिए होने वाला है। और आप ये देख सकते हैं आयुर ब्रांड का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंप एक अवेलेबल है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट। ये देख सकते हैं ऐसे आता है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजिंग है। आप किसी भी सीज़न में है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी रेनी सीजन आया है तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट रहेगा ये। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है स्किन के लिए। और अगर बारिश में ये वॉश भी हो गया ना तो ये इतने अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है कि वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और बहुत ही लाइट वेट है, मॉइस्चराइजिंग रहेगा आपका पूरा हाथ पैर जहाँ जहाँ आप लगा रहे हो। और इसमें प्लस पॉइंट है कि 5 बेनिफिट्स हैं जो इसके पैकेजिंग में भी आपको मिल जाएंगे, मेंशन है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 5 पॉइंट क्या क्या मेंशन है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं ये 5 पॉइंट हैं। और इससे सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपकी ये रिंकल्स अगर आप फेस में यूज़ करें तो रिंकल्स को भी हटाएगा और अदर बॉडी पार्ट्स में भी रिंकल्स को हटाएगा, आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करेगा। और इसको इसमें ये प्लस पॉइंट है कि सन प्रोटेक्शन भी देगा कि रेनी सीजन में पता नहीं चलता कब धूप हो रही है, कब छांव हो रही है, कब बारिश हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट है। और वैसे भी ये हर सीज़न के लिए बेस्ट है। अगर अभी तक का मैं सारे बॉडी लोशन कंपेयर करूँ तो अभी तक के लिए मेरे को बेस्ट लगा जितने भी मैंने यूज़ किए हैं। इसलिए ये फाइनल मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आपसे यही मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा अब तो मेरे को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको अपने हाथों में लगाया है और आप शाइन देख सकते हैं। दोनों हाथों में लगाया था, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक लगाया हुआ है, ये शाइन आपको दिख रही है, और यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। तो ये अलग जो इसका जो बेनिफिट है वो दिखता है, विजिबली आपको दिखेगा, फर्स्ट यूज़ के साथ दिखेगा। और इसके जो 5 एक्शंस है वो मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ कहाँ काम करता है। नॉन ऑयली और नॉन स्टिकी है, फर्स्ट तो यही है। और सन प्रोटेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, सन प्रोटेक्शन करता है, रिलीफ इचीनेस हो रही है तो उससे भी रिलीफ देगा, और मॉइस्चर करेगा स्किन को, वो तो सारे बॉडी लोशन करते हैं मॉइस्चर। और क्या है, रिड्यूसेस प्री मैच्योर रिंकल। हाँ, तो ये रिंकल्स वाली बात भी मैंने आपको बताई है इसके बारे में। और ये है एनरिच्ड विद विटामिन ई, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपको एक्सेस में नहीं लेना है विटामिन ई, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि टैबलेट वगैरह लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सीधे प्रोडक्ट आप ज़्यादा कोशिश ये क्या करो कि आप कुछ ऊपर से लगा रहे हो या अपने स्किन के लिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इनटेक से। आप इनटेक कितना सारी चीज़ें, कितनी मेडिसिन इनटेक करके क्या क्या करोगे आप, पहले जो आप फिजिकली कर सकते हो अपने बॉडी के लिए वो करो, फिर उसके बाद आप केमिकली बेस्ड प्रोडक्ट्स में जाना या फिर उनको इनटेक करना, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट में करो। और आयुर एक हर्बल प्रोडक्ट है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खास है, और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो मेरा कल से बहुत ज़्यादा हाथ रफ था, रफ ऐसे हुआ कि मैं फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश बहुत ज़्यादा करती हूँ इसलिए, लेकिन इसको लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब एक मॉइस्चर क्रीमीनेस जो होता है वो वापस आ जाता है। तो अगर आपको भी ऐसे मतलब फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करने की आदत है या फिर काम पड़ती है ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके जो 5 एक्शन हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो और ऑल इन वन प्रोडक्ट है। अगर आपको किसी भी सीज़न के लिए ज़रूरत है तो आप ऑल स्किन टाइप वाले हो, ऑल सीज़न आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको 115 रुपीज़ का मिल जाएगा। ऑनलाइन के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वैसे ये ऑनलाइन नहीं मिलता ज़्यादा। ऑनलाइन मैंने इसको ज़्यादा, इस ब्रांड को ज़्यादा नहीं ख़रीदा है, इसको मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा है, क्योंकि ये बचपन से मतलब मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा फेमस है आयुर ब्रांड। और ए बी प्रोटेक्शन है इसमें, मुझे नहीं पता अभी ए बी मतलब क्या होता है, मैं आपको सर्च करके स्क्रीन पर शो कर दूँगी ए बी प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए लिखा है। और 115 रुपीज़ में आपको 200 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और इसके ऊपर पंप है जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लोशन आपको प्रोवाइड करेगा। एक पंप में आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आएगा एक पंप में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, आपका वेस्टेज भी नहीं होगा। और ये जो इसका पंप है थोड़ा टाइट है जिससे कम प्रोडक्ट आता है, जिससे आपकी वेस्टेज नहीं होगी। तो ये ऑल ओवर आप बाकी जो हाथ बचा हुआ है मतलब जहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था वहाँ पे भी लगा लूँगी, क्यों वेस्ट करें प्रोडक्ट को। तो बहुत, और इचीनेस से आपको ये रिलीफ देता है, मतलब कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी ये आपको हार्म नहीं करेगा, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट देगा और आपकी इचीनेस आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसलिए एक्ने में काम करता है और स्किन एलर्जीज में काम करता है। और इसके साथ है ऑलिव बटर, तो वो एनहेंस करता है आपकी नेचुरल कोलेजन को जो कि आपके स्किन में बनता है, और शी बटर बोल सकते हैं, शी इनमें लिखा हुआ है, तो स्किन पोर्स को रिड्यूस करता है जिससे प्री मैच्योर रिंकल्स हटते हैं। और इसमें कोकोनट एंड आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल क्या करता है, सील्ड करता है आपकी स्किन को फ्रॉम
बैक्टीरिया अदर इन्फेक्शन और ए बी प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे मेंशन है, सामने मेंशन नहीं था, तो ए बी प्रोटेक्शन था एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन। तो एंटी बैक्टीरियल जैसे हम पिलो में सोते हैं, अगर गंदा पिलो हो गया तो उसमें जो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर आप वॉश नहीं कर रहे हो, लेकिन वॉश किया करो, ठीक है, 2 से 3 दिन में आप वॉश किया करो अपने पिलो कवर को, अगर आप अपने फेस को प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो। अगर 2 से 3 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो आपके पिंपल आ जाता है, अगर आप थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हो इसी वजह से पिंपल आता है। वैसे तो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस के कारण आता है, जो कि ज़्यादातर पीरियड्स में आता है। तो कंपोजिशन में आपको इसमें 100 ml क्या क्या 100 ml के लिए इनमें क्या क्या कंटेन रहता है, रोज़ पेटल्स हैं, 5 ml आलमंड ऑयल है, क्यूकम्बर है, वाटरमेलन, एलोवेरा 2 ml, 2 ml कोकोनट ऑयल और लोशन बेस। लोशन बेस का QS उसका एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा है लोशन बेस का, लेकिन अदरवाइज सारे प्रोडक्ट हर्बल है। और लोशन बेस किस चीज़ से बनता है वो मैं आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे शो कर दूँगी कि किस चीज़ से बनता है। और वैसे तो हम लोग मतलब बेस बनाते हैं तो हमें पता है कि उसका कुछ मीडिया होता है, तो कैसे बनता है वो मैं आपको एक दिन अलग से उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि कैसे बेस बनाते हैं लोशन का या किसी भी चीज़ का, कॉस्मेटिक्स का। तो ये आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल यूज़ ही आप करना है कहीं, समझ गए ना, और ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। और कंपनी का नाम है रेनबो पैशन, मैन्युफैक्चर बाय रेनबो पैशन, और बाकी सब कुछ लिखा है कि कितने साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो 3 ईयर्स इसकी गारंटी है, तो आप इसे पहले ही यूज़ करके ख़त्म कर दो। 200 ml का प्रोडक्ट है। ऑल ओवर इसकी आप बॉटल देख सकते हो कि ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये रीयूज़ भी कर सकते हो आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो खोल के ये ख़त्म हो जाए आप इसमें दूसरा लोशन भर लेना अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो। इसका जो फ्रेग्रेंस है ये पूरी एलोवेरा की ही है, मेरे को लगता है ये एलोवेरा से ही बना है, एलोवेरा जैसे का फील होता है ना आप लगा लो, बस थोड़ा सा उसमें लगता है, इसमें लगाने का हल्का ऑयलिश टेक्सचर लगेगा लेकिन अब्जॉर्ब पूरा हो जाएगा, इनमें कोकोनट ऑयल ज़रूर से है ये मैं कह सकती हूँ इसको लगाने के बाद। तो आप भी इसे अप्लाई करो और देखो कैसा लगता है, और आई होप पूरे स्किन टाइप को ये सूटेबल रहेगा क्योंकि इसमें इतने अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं। That's it for today's video. I hope this video will help you. Till then, bye bye. Thank you, everyone.